नमस्कार, मैं अंजना और आज एक ऐसे पौधे को लेकर आई हूँ जो बिगिनर्स बहुत पसंद करेंगे, क्योंकि बहुत इजी टू मेंटेन पौधा है, बहुत कम केयर मांगता है। वेलकम टू अम्लान क्रिएशंस बाय अम्लान बाग। ये जो आप मेरे आसपास सब देख रहे हैं, ये सभी सिंगोनियम है। बहुत वेराइटीज होती है सिंगोनियम की, बहुत साइजेस भी होते हैं और इनकी फितरत भी बहुत इंटरेस्टिंग होती है। आप जहाँ रखते हैं धूप के हिसाब से ये आपको वैसा ही अपना बिहेवियर दिखाते हैं। इस वीडियो में आज हम सभी बातें करेंगे, इसको कैसे पहचानें, इसको कैसे उगाएं, इसको कहाँ रखें, इसको कैसे फर्टिलाइज करें। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको पहचानेंगे कैसे। सिंगोनियम, जैसा कि नाम से ही लगता है, जिसके की दो सींग हो। मनी प्लांट की पत्ती में आप दो सींग ऐड कर दीजिए तो सिंगोनियम बन जाता है। देखिए ऐसा होता है इसका पत्ता। आइए सबसे पहले अब हम इनके अलग अलग शेप्स, कलर्स, वेराइटीज, इनको पहचानते हैं। ये देखिए, ये है सबसे छोटी पत्ती का सिंगोनियम। इसकी पत्ती 1 से 1.5 इंच तक होती है बस, और इस पौधे की हाइट भी ज़्यादा नहीं जाएगी, 3-4 इंच से ज़्यादा ये पौधा ऊपर नहीं जाएगा। तो इसका पॉट भी हमें छोटा ही लेना होता है, बस 3-4 इंच का पॉट ले लीजिए या कोई भी शेलो पॉट में ये छोटी पत्ती वाला सिंगोनियम बहुत अच्छे से चल जाता है। ये आप देख रहे हैं उससे थोड़ी सी बड़ी पत्ती का सिंगोनियम, इसकी हाइट करीब 6 इंच के करीब चली जाती है, तो पॉट साइज भी ऐसा ही कुछ 5-6 इंच के करीब होगा। ऐसी होती है इसकी पत्ती, थोड़ी सी लंबी और वेरीगेटेड होती है, लाइट शेड अंदर, बाहर की तरफ डार्क शेड। सभी पत्तियों में ऐसा दिखाई देगा। ये है सबसे बड़ी पत्ती का सिंगोनियम, करीब हाथ के जितना इसका पत्ते का साइज होता है, वेरीगेटेड बहुत शेड्स में होता है, और इसकी जो लंबाई है वो 1 से 1.5 फुट तक भी जा सकती है। पॉट साइज थोड़ा अकॉर्डिंगली लेना होता है। ये देखिए कंपैरेटिवली तीनों पौधों का साइज। अब मैं आपको बड़ी पत्ती में डिफरेंट शेड्स दिखाती हूँ। ये लाइट ग्रीन कलर का पत्ता है, लेकिन देखिए इसकी जो वेन्स हैं वो रेड कलर की हैं। इसी से इसका जो ब्यूटी है वो इससे आ जाती है कि वेन्स रेड कलर की हो जाती है। इसका साइज भी करीब 10 इंच से 12 इंच तक जा सकता है, अकॉर्डिंगली ही आपको पॉट लेना होता है। एक है ये वेराइटी जिसमें ग्रीन के साथ थोड़ा सा पिंक टिंच आता है, पत्तों में पिंकिश टिंच आएगा और फिर ग्रेजुअली इसके पत्तों के कलर फर्क होते जाते हैं। ये भी वही 8-10 इंच ऊंचा जाता है। और फिर है एक ये वेराइटी जिसके पत्ते और भी ज़्यादा डार्क होते हैं, धीरे धीरे डार्क होते जाते हैं। शुरू शुरू में ये एकदम डार्क निकलते हैं, उसके बाद ये देखिए फिर धीरे धीरे थोड़ा हल्का पिंक हुआ, उसके बाद थोड़ा थोड़ा ग्रीन हो जाता है। जैसे जैसे नीचे जाते हैं थोड़े से पत्तों के शेड्स में फर्क आता जाता है, और इसकी हाइट भी 8-10 इंच के करीब रहती है। तो आपने नर्सरी में इसको पहचान लिया, खरीद लिया, पॉट भी अकॉर्डिंगली साइज का ले आए। अब हम बात करते हैं घर आकर आप इसमें मिट्टी कैसी डालें। इसकी मिट्टी में हमें 1/3 गार्डन सॉइल, 1/3 कंपोस्ट और 1/3 बजरी मिला लीजिए। अगर आपके एरिया की मिट्टी क्लेई है, क्लेई सॉइल है, तो उसमें बजरी की बजाय कोकोपीट मिला लीजिए। इस तरीके से जो भी मिक्सचर बनेगा वो इसके लिए हमेशा के लिए बहुत अच्छा है। इनिशियली जब आप इसको लाते हैं, अगर आप बिगिनर हैं तो प्रिफर कीजिए कि इसे या तो फरवरी में लाएं या फिर रेनी सीजन में लाएं, ताकि उसी वक्त आप रिपॉट करके इसको अपने सही गमले में ट्रांसफर करके रख लें, क्योंकि ये दोनों मौसम जो होते हैं फरवरी और सितंबर का, ये फेवरेबल होते हैं। अगर इसमें हमसे कुछ गलती भी हो जाती है तो हमारा पौधा हमें सपोर्ट करता है, सर्वाइव कर जाता है, क्योंकि मौसम उस समय हम सबको सपोर्ट करता है। ये तो हुई उगाने तक की बात। अब ये है कि इसको रखेंगे कहाँ। सिंगोनियम सेमी शेड का पौधा है, आप अपनी बैल्कनी में या किसी भी घर के एरिया में जहाँ भी दिन भर की 2 घंटे की भी धूप आती है वो सिंगोनियम के लिए काफ़ी है। इंडोर भी आप इसको बहुत आराम से उगा सकते हैं, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा लाइट की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब भी इसको इंडोर लगाते हैं, रखते हैं, तो ये ज़रूर ध्यान रखना है कि हफ्ते में 2 दिन कम से कम इसको बाहर की फ्रेश हवा और धूप मिले। और जब भी इसको बाहर निकालेंगे हम, शाम के वक्त निकालेंगे और छाया की तरफ रखेंगे, वो जो ब्राइट लाइट है वो ही इसके लिए काफ़ी होती है। जब टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जाने लगता है तो इसके पत्ते अगर डायरेक्ट सनलाइट में रखें तो जलना शुरू हो जाएंगे। आप देखेंगे इसके इसके पत्ते के ऊपर कुछ भूरे निशान पड़ने लगे हैं, इसका मतलब वो सनबर्न है, धूप की वो तेज रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, तो उसको शेड में, क्योंकि आपको पता चल गया कि ये शेड लविंग पौधा है, सेमी शेड का पौधा मैं कहूंगी,
तो चलिए हमें इसको कहाँ रखना है ये भी डिसाइड हो गया। अब जो थोड़ा बहुत फर्क आता है पौधों में जहाँ हम रखते हैं उससे, वो मैं डिस्कस करती हूँ। अगर हम इस पौधे को कहीं बाहर ऐसी जगह रख रहे हैं जहाँ एक दो घंटे की सनलाइट आती है, वहाँ ये पौधे इस तरीके से बुशी बने रहेंगे। इसकी ज्यादा लंबी ग्रोथ नहीं होगी लेकिन घना होता रहेगा। अगर हम इसको बहुत ज्यादा टाइम तक आपके लिविंग रूम में या घर के अंदर कहीं रखते हैं तो धीरे धीरे ये कुछ इस किस्म से थोड़ी इसकी स्टेम जो है वो ज्यादा लंबी हो जाएगी, नीचे के पत्ते थोड़े कम लेकिन स्टेम थोड़ी सी लंबी जाने लगेगी। अगर हम एक ऐसी जगह रखते हैं जहाँ बिल्कुल धूप नहीं आती है लेकिन खिड़की से थोड़ी रोशनी आती है, वहाँ प्लांट कुछ इस तरीके का हो जाएगा। इसमें से एक या दो टहनी लंबी मनी प्लांट की तरह निकलने लगेगी और वो ऊपर चढ़ती जाएंगी। अब ये आपकी चॉइस है, पौधे ने आपको इतने सारे ऑप्शंस दे दिए, अब आपकी चॉइस है आप इसको कैसा रखना चाहते हैं, वैसी जगह पर रख दीजिए, ये आपको वैसा ही रिजल्ट देता रहेगा। दूसरी बात है कि इसको फर्टिलाइज कैसे करना है। सिंगोनियम काफी अच्छा लेस डिमांडिंग पौधा है, ज्यादा आपसे कुछ नहीं मांगता। इसको साल में दो बार आपने अगर कंपोस्ट दे दिया है और बीच बीच में अगर आप देना चाहते हैं तो एक बार लिक्विड मैन्योर दे दीजिए तो ठीक है, और नहीं भी देंगे तो सिंगोनियम आपसे कभी कोई शिकायत नहीं करेगा। अब जहां तक वाटरिंग की बात है, कई ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें हम अगर ज्यादा पानी देते हैं तो मर जाते हैं, कम पानी देते हैं तो मर जाते हैं, लेकिन सिंगोनियम जैसा मैंने कहा बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा है। ये थोड़ा सा आपको कोऑपरेट करता है, कभी ज्यादा पानी पड़ गया तो इसे ज्यादा परेशानी नहीं होती, लेकिन उसके बाद फिर पानी को मिट्टी को पूरा सूखने दीजिए, उसके बाद वाटरिंग कीजिए। कभी कम भी पानी पड़ जाता है एक आध दिन तो भी सिंगोनियम बर्दाश्त कर लेगा, तो बहुत ज्यादा आप लिबर्टी ना लें कि जैसे मर्जी पानी दे दिया, लेकिन हाँ कभी कभी की गलतियां सिंगोनियम बर्दाश्त कर लेगा, आपका साथ दे देगा। एक आखिरी पॉइंट होता है इसके प्रोपोगेशन का, कि जब एक बार आप ये पौधा ले आए हैं तो इसको बढ़ाएं कैसे, प्रोपोगेट कैसे करें, मल्टीप्लाई कैसे करें। इसको मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, ये रूट डिविजन से मल्टीप्लाई होता है। अभी क्योंकि बहुत गर्मी का टाइम है, मई का महीना चल रहा है, तो इस समय मैं मल्टीप्लाई करके आपको नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं जैसे ही बारिश आती है मैं इनको मल्टीप्लाई करके आपको दिखाऊंगी और मुझे भी मल्टीप्लाई करने ही होंगे तब। बेसिकली जब आप पौधा एक लाते हैं तो इसके साथ साथ में दूसरे सकर्स या पास से दूसरे पौधे निकलना शुरू हो जाते हैं और अपने आप उनकी रूट्स बनती जाती हैं। जब सीजन होता है तब आप इनको अलग कीजिए, उसका तरीका मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। उसके बाद आप इसकी रूट्स को अलग करके अलग अलग पौधों में लगा लीजिए, तो इस तरीके से ये एक से कई सारे पौधे आपको मिल जाएंगे। एक एक वैरायटी का पौधा बिगिनिंग में ले आइए बस, उसके बाद फिर आपको कभी सिंगोनियम लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितना खूबसूरत और कितना अच्छा साथ देने वाला पौधा है ना ये। तो अगर ये वीडियो पसंद आया है, ये पौधा पसंद आया है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, खूब सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि सारे बिगिनर्स इस पौधे का फायदा उठा सकें, और अम्लान क्रिएशंस को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस जल्दी मिलें। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार।